हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। टुडे वी आर गोइंग टू नो शेडिंग अकॉर्डिंग टू लाइट। सबसे पहले हमें आर्ट मटेरियल चाहिए, पेपर 120 जीएसएम और पेंसिल 4B। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले इसका अलाइनमेंट लेंगे। अलाइनमेंट के बाद इसको शेप में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद अब क्या करना है, इसका एक आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन बिल्कुल ही लाइट होना चाहिए। अगर आपके पास HB पेंसिल है तो HB पेंसिल से कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे 4B यूज कर रहा हूँ, इसलिए कि आपको हाईलाइट ज्यादा दिखे। तो यहाँ पे शेप के अकॉर्डिंग आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग को भी, कोई भी स्ट्रक्चर को भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अभी क्या करना है, जितने भी अलाइनमेंट लाइन हम लोगों ने लेने उसको इरेज किया और ओवरऑल भी 80-90% इरेज कर दिए, क्योंकि अब हमें चाहिए एक परफेक्ट आउटलाइन। तो यहाँ पे देख रहा हूँ ना कि आप चाहो तो अब यहाँ पे 4B पेंसिल को यूज़ कर सकते हो और एक परफेक्ट आउटलाइन हमारे सामने। अब हम स्टार्ट करेंगे शेडिंग। शेडिंग करने के पहले ना मैं आपको बता दूं कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने स्फेयर को शेड किया था अकॉर्डिंग टू लाइट। वो एपिसोड आप लोग जरूर देखिएगा, जो कि आपको अभी आई बटन में दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो कि जो इसका जो पहले का रूट, इसका जो स्टेम है, स्टेम से हम लोग स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू लाइट। यहाँ पे देख रहा हूँ कि पहले डार्क किया, उसके बाद थोड़े थोड़े जितने भी टेक्सचर है ना वो हमें करना है। एक बात हमेशा ही ध्यान रखना आप लोग कि प्राइमरी लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लेयर बनने के बाद अकॉर्डिंग टू लाइट आप लोग उसको डार्कन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू। अभी आ जाते हैं ओवरऑल बॉडी पे प्राइमरी लेयर के लिए, और ये पहला लेयर है। पहला लेयर जब भी होगा ना, तो या तो आप HB पेंसिल से ले सकते हो, या फिर एक सिंगल पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ही लाइट रखना है, और लाइट रखते हुए ओवरऑल हर जगह करना है आपको शेड। तो यहाँ पे देख रहे हो कि कहीं कहीं पे डार्क ज़्यादा है, कहीं पे लाइट कम है, इसलिए हो रहा है कि शेप जो होता है ना वो कांस्टेंट नहीं होता, एकदम प्लेन सरफेस नहीं होता है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्सचर्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपको उतार चढ़ाव डेप्थ होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी आपको शेड करना है। और एक एक करके अब जब भी आप शेड करोगे ना, तो आपको जिगजैग नहीं करना है बहुत ज़्यादा, उसका जो शेप है ना, शेप के अकॉर्डिंग आपको शेडिंग करनी है। जैसे कि आप अपसाइड डाउन कर रहे हो तो उसको स्ट्रेच करके नीचे तक लेके आना है, और सिंगल सिंगल स्ट्रोक बनाओगे इनिशियल डेज में तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। और इनफैक्ट आप जब प्रोफेशनली ड्रॉ करोगे तो यही जो प्रैक्टिस है ना आपके काम में आएगा। तो जैसे देख रहा हूँ कि एक एक जो भी मैं शेड कर रहा हूँ वहाँ पे एक एक स्ट्रोक्स ले रहा हूँ, और एक एक स्ट्रोक लेके अगर आप चाहो तो पार्शियली भी कर सकते हो कि एक छोटा लिया फिर दूसरा बड़ा लिया, उसको एक्सटेंड करके नीचे की तरफ लेके जा सकते। तो ये कुछ ऐसे करना है आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला लेयर है। पहला लेयर होते हुए भी कहीं कहीं हम लोगों ने डार्कन और कहीं कहीं लाइट रखा है अकॉर्डिंग टू हमारा जो शेप है, डेप्थ है। अब लाइट से इंटरेक्ट करके कैसे वो डार्कनेस आती है वो आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 6th एपिसोड है। लाइटिंग के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे टेक्सचर किया है। इसके बाद जितना भी आप शेडिंग करोगे ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ लाओ और नीचे से ऊपर की तरफ लाओ। बेनिफिट क्या होगा इसमें, क्या ना, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, सेंटर पॉइंट में लाइट ज़्यादा रहती है, किनारे किनारे डार्कन ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला लेयर तो कंप्लीट कर लिया। अब जब दूसरा लेयर होगा ना, तो उसमें आपको कॉन्ट्रास्ट दिखेगा। तो ये देखो, अभी हम लोग आ चुके हैं सेकेंड लेयर पे। सेकेंड लेयर में अब जब आप शेड करोगे ना, तो ओवरराइड करोगे जो पहला लेयर है, तो ऑटोमेटिक आपको डार्कनेस ज़्यादा दिखेगी। अगर आपको डार्कनेस और ज़्यादा चाहिए ना, तो रिपीटेशन बढ़ा दो। जितना रिपीटेशन बढ़ाओगे डार्कनेस बढ़ेगी, लेकिन आपका प्रेशर जो है ना, प्रेशर को ज़्यादा या कम नहीं करना है वहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे करते हुए बताया ना मैंने आपको कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसका शेप जो होता है ना वेरी करता है। ये जो है ना नेचुरल शेप्स होते हैं। अब लाइट इंटरेक्ट करती है, जब लाइट कास्ट होती है इसके ऊपर ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शेडो भी जनरेट होती है, जो कि हम कहते हैं फिल लाइट एरिया। फिल लाइट में आपको वहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे की लाइट की तरफ जाती है, हॉटस्पॉट की तरफ जाती है, वहाँ पे क्या होता है ना कि ब्राइटनेस बढ़ती जाती है। तो हमें जो यहाँ पे जो हॉटस्पॉट है ना, उस हॉटस्पॉट को बचा के रखना है, क्योंकि हाईलाइट ज़्यादा है वहाँ पे, और ये रिफ्लेक्टिव है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए वहाँ पे हम एरिया जो है ना वहाँ पे छोड़ देंगे, और जैसे जैसे शेडो एरियाज में जाएंगे ना, वहाँ पे डार्कनेस बढ़ेगी। अब बारी आ जाती है सेकेंड लेयर के बाद, आप थर्ड लेयर भी अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे हमें करना है कुछ टेक्सचर्स। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे टेक्सचर की तरफ। टेक्सचर को कम्प्लीट करने के बाद अब हमें चाहिए शेडो। तो शेडो बनाने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो वीडियोज़ आप लोग देख रहे हो ये फास्ट वर्जन है। अगर आपको स्लो वर्जन में चाहिए तो कोर्सेज हमारे हैं, और कोर्सेज आप ले सकते हो हमारे वेबसाइट पे जाके, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पे इंक्वायरी भी कर सकते हो। और ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ा अगर आपको डेप्थ चाहिए ना, तो आप बैकग्राउंड भी बना सकते हो, जिससे पूरा का पूरा फोकस जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट पे आएगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप जाके कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो।
और हाँ, जाते जाते ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने नहीं किया तो, और लाइक तो एक बनता है ना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।